एक अप्रैल को जो अधिसूचना जारी किया है, जिसके आधार पर मुखिया का पद, पंचायत समिति का सदस्य का पद, जिला परिषद के सदस्य का पद, जो संविधान प्रदत्त जो आरक्षित था पिछड़ों के लिए, उसको समाप्त करने का काम किया है। हम इसका घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार, मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। पिछड़ों को जो है आरक्षण में प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए बार बार जो है मांग राज्य में चल रही है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री लालचंद महतो है, पंचायत चुनाव में बार बार जो है आरक्षण को लेकर मांग कर रही जा रही थी, लेकिन उसी बीच जो है 1 अप्रैल को एक फैसला आता है कि जो जितने पद हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव में जो मुखिया के पद हो, जिला परिषद के पद हो, उन सभी पदों में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। इसी मुद्दे पर लेकर हम लालचंद महतो से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आगे क्या कुछ आप लोगों की रणनीति होगी? कई सारे आप लोग जो पूर्व जितने भी विधायक हैं, वह एक राजभवन के समक्ष जो है आप लोग राज्यपाल से मिलने की बात कर रहे हैं, धरना देने की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप लोग, चुनाव नज़दीक है वैसे पंचायत चुनाव? पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर से आज एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी जी। प्रेस वार्ता के जरिए हम राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन को किसने अधिकार दे दिया, जो संवैधानिक अधिकार से पूर्व के सरकारों ने मुखिया का पद, पंचायत समिति का पद, जिला परिषद के सदस्य का पद को आरक्षित करते हुए पंचायत का चुनाव पूर्व में कराए गए थे, उन सारे पदों को हेमंत सोरेन सरकार ने 1 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर राज्य के तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिला गजट में मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद के सदस्य का जो नोटिफिकेशन करेंगे, वे आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी में ला करके ही चुनाव कराएंगे। तो ये अधिकार हेमंत सोरेन को किसने दिया? जिस संवैधानिक अधिकार के तहत, जिस संविधान के अनुसार आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, आदिवासियों के लिए आरक्षण मिला है, जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं उनको आरक्षण मिला है, उसी संविधान में पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षित पद हैं, उस आरक्षित पद को छीनने का अधिकार किसने दिया? किस अधिकार के तहत जो छीनने का काम किया है, ये सरकार से हम जानना चाहते हैं। सरकार अगर इस पर जवाब नहीं देगी तो पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 2-3 दिन के अंदर में हम हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, आरक्षण है, उसको राज्य सरकार ने जो छीनने का काम किया है, उसको हम चुनौती देंगे। दूसरा कदम मेरा होगा कि 7 अप्रैल को राज्य के तमाम जो पूर्व विधायक हैं उनका 1 दिवसीय सम्मेलन होने जा रहा है। हम उस सम्मेलन में भी पिछड़ों का आरक्षण जो समाप्त कर दिया गया है, मुखिया के चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण जो पूरे देश में 27% है और झारखंड में पिछड़ों का आबादी 56% है, इसलिए राज्य पिछड़ा आयोग ने, राज्य के हाई कोर्ट ने जो राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, सरकार बढ़ा सकती है। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने मांग रखा है कि पिछड़ों का जनसंख्या के अनुपात में हमें यहाँ कम से कम 36% आरक्षण मिलना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर पूर्व विधायकों के सम्मेलन में प्रस्ताव लाया जाएगा, तत्पश्चात जो है सरकार पर दबाव बनाने के लिए
पूर्व विधायकों का एक दिवसीय धरना महामहिम राज्यपाल के यहाँ करने का काम करेंगे, ताकि राज्यपाल जो है संविधान के मुखिया हैं, संविधान का अवहेलना राज्य सरकार कर रही है उसको देखने वाला अगर कोई है तो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं। हम लोग धरने के द्वारा महामहिम राज्यपाल से भी आग्रह करेंगे, वे इस पिछड़ों के मुद्दे पर राज्य सरकार को हस्तक्षेप करें और इस आदेश को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करें। ये सारे मुद्दों को लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और ये सारा जो प्रोग्राम हम लोग आगे करने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की ओर से जो है आगे दिनों में काम जो कह सकते हैं सरकार जो जिस तरीके से जो ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुखिया पद हो चाहे वो जिला परिषद के पद हो, इन सभी मुद्दों को लेकर आगामी 7 अप्रैल को जितने पूर्व विधायक हैं वह राज्यपाल समक्ष ज्ञापन देंगे और धरना देने का काम करेंगे। देखने वाली बात होगी सरकार अब इस फैसले को कैसे देखती है, राज्यपाल इस पर क्या कुछ डिसीजन लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।